सलमान खान का डबल दिवाली धमाका होगा। क्यों? क्योंकि एक नहीं, इस फेस्टिव सीजन में दो दो सलमान खान आएंगे, जिसके लिए मेकर्स ने की है तगड़ी प्लानिंग। स्क्रीन पर एक नहीं दो बार दिखेगा सलमान खान का जबरदस्त लेवल का अंदाज। एक तो सिंघम अगेन है जिसमें सलमान नजर आएंगे, लेकिन दूसरी बार सलमान कब कैसे स्क्रीन पर दिखने वाले हैं, आइए जानते हैं। जी हाँ, सलमान खान का दो फिल्मों में कैमियो होने वाला है, पहली सिंघम अगेन और दूसरी बेबी जॉन है। अजय देवगन की सिंघम अगेन दिवाली पर आने वाली है। इसी बीच पता लगा कि वरुण धवन की फिल्म यानी बेबी जॉन का टीजर दो फिल्मों के साथ अटैच किया जाएगा। यूं तो बेहद कम ऐसे मौके होते हैं जब कैमियो रोल करने वाले को टीजर में दिखाया जाए। ऐसा कहा जा रहा है कि सलमान खान का सिंघम अगेन में 2 मिनट का कैमियो होने वाला है, वहीं दूसरी ओर बेबी जॉन में 5 मिनट का कैमियो हो सकता है। सलमान खान के फैंस ये खबर सुनकर के सुपर लेवल पर एक्साइटेड हो रहे हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वरुण धवन की बेबी जॉन का टीजर सिर्फ सिंघम अगेन के साथ ही टीज नहीं किया जाएगा, इसे भूल भुलैया 3 से अटैच करने का बड़ा फैसला भी लिया गया है। दरअसल बेबी जॉन के प्रोड्यूसर मुराद खेतानी कार्तिक आर्यन के फिल्म भूल भुलैया 3 से भी जुड़े हुए हैं, और क्योंकि वरुण धवन की फिल्म की तरह ही सिंघम अगेन को जियो स्टूडियो वाले प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे चांसेस हैं कि बेबी जॉन का टीजर दोनों फिल्मों के साथ अटैच किया जाएगा। वरुण धवन की फिल्म का टीजर 2 मिनट लंबा है, जो पहले फिल्म के साथ ही थिएटर्स में देखने को मिलेगा। वहीं 2 नवम्बर को इसे डिजिटली भी रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे में कयासबाजी चल रही है कि सलमान खान के रोल की भी झलक इसमें मिलेगा, ताकि फिल्म बेबी जॉन को लेकर के बस हाई लेवल पर बनाया जा सके। बता दें कि पिछले दिनों खबरें आई थीं कि बेबी जॉन में सलमान खान का कैमियो तगड़े लेवल का होने वाला है। अब ऐसे में एक साथ दो दो सलमान खान को देखने का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखना होगा कि टीजर में सलमान खान की एक भी झलक देखने को मिलती है या फिर नहीं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।